सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, ये स्कोडा ऑक्टाविया गाड़ी है, इसका फुल सर्विस हो रहा है आज। तो इसका ये एयर फिल्टर है, ये डीजल फिल्टर और ये ऑयल फिल्टर है। तो आज अपन ये तीनों चेंज करने वाले हैं। तो इसका एयर फिल्टर ये साइड पे आता है, पहले अपन एयर फिल्टर चेंज करेंगे। तो अपने ये दो स्क्रू पे एयर फिल्टर निकलता है, एक और ये दो। तो ये नया एयर फिल्टर है। अरे नए वाला है, इधर लो। ये भी क्लीन करना है अपने को। ये भी साफ कर दो। नहीं, क्लीन है। ऐसा बोलता है ऐसा। ये नया वाला। तो ये फिक्स हो गए। ये अपना डीजल फिल्टर है और ये नीचे का जो बोल्ट है इसको लूज करने के बाद डीजल फिल्टर ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं डीजल फिल्टर अपना फ्री होता है और ऊपर आता है। तो नया फिल्टर है ये और ये अपना, ये पुराना फिल्टर है। पकड़ो सर। और ये अपने को इसके सेंसर वेंसर कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट लगा देना है। अपन ये डीजल डालेंगे जिससे पैक हो जाता है। ये मिलता है यार, मिल जाता है। ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम रहा तो डालते हैं। फिक्स।
अपना ये डीजल फिल्टर कंप्लीट हो गए कवर, और यहाँ पे आता अपना ऑयल फिल्टर। ये अपना ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर का पाना। इसमें कहीं निकलता नहीं अभी, निकलता ಹಲೋ ಹಾಂ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಗಿರಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಲೈ ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರಲ್ಲ ये फ्रेंड है, फ्रेम है ये, यहाँ पे इसको 5 वोल्ट है, वहाँ पे एक है, इधर एक, इधर एक और इधर एक और इधर एक, तो उसके बाद में ये अपना खुल जाता है। और यहाँ पे 18 वोल्ट बैठता है ऑयल छोड़ने के लिए। फ्रेंड अपना ये ऑयल चेंज हो गए, अभी अपन इसका जनरल चेकअप करेंगे। तो
तो ये अपना कूलेंट एकदम ओके है, लेवल भी है। और ये अपना ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल है। तो ये भी अपना ओके है एकदम। और ये अपना स्टीयरिंग ऑयल है, ये भी ओके है एकदम। और अपना पूरा सर्विस हो गया है इसका। फुल सर्विस में अपना नॉर्मल ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर वगैरह चेंज हो गए, ब्रेक वगैरह कुछ नहीं करे अपन।